हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। जोहात कभी बैट पकड़कर सिक्सर मारा करते थे, वो आज ब्रश पकड़कर दीवारें रंगने पर मजबूर है। गले में मेडल्स पहने और हाथों में ये विनिंग कप्स लिए ये हैं दिव्यांग क्रिकेटर विनोद सिंह। सोनीपत के गांव दोदवा के रहने वाले ये दिव्यांग क्रिकेटर विनोद एक एक करके अपने मेडल्स, ट्रॉफीज और तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो गवाह है उनकी प्रतिभा की। कभी पाकिस्तान और अन्य देशों को अपने बल्ले से मुंह तोड़ जवाब देने वाले विनोद अब आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते वो घरों में पुताई का काम करने को मजबूर है। विनोद अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं और इकलौते कमाने वाले हैं। मेरा इकलौता बेटा है और हमारी आर्थिक तंगी के कारण ये खेल में बहुत रुचि रखता था, बहुत ये नाम लेता था, लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि ये कमाने के लायक भी नहीं है और फिर भी सफेदी करके अपना गुजारा करता है। दिव्यांग क्रिकेटर विनोद ने बताया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से दिव्यांग क्रिकेट टीम में वो हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन सरकार और बोर्ड की अनदेखी ऐसी है कि दो बच्चे और बूढ़े माँ बाप वाले घर को चलाने के लिए उन्हें अब घरों में पुताई करनी पड़ रही है। यहाँ मैं अपना खुद का काम, सफेदी का काम करता हूँ जी, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, जिससे अपने घर का निर्वाह कर रहा हूँ। हालात देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ज़्यादा समय तक हम क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि कोई भी मदद ऐसी नहीं हो रही जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सके। सर खेलना छोड़ दिया? फिर खेलना छोड़ दिया सर, अभी तो छोड़ दिया है फिलहाल तो, बाकी मन तो कर नहीं रहा जी छोड़ने का, पर हालात देख कर ऐसा लग रहा है जी क्रिकेट खेलना नामुमकिन। नेशनल की सर पाकिस्तान के साथ खेली थी जी 2014 में सर, फिर उसके बाद जी 2015 में बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ हम 3-0 से क्लीन स्वीप करके आए थे। विनोद ने कहा कि वो आज भी देश की तरफ से खेलना चाहते हैं और अपने क्रिकेट करियर को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से मदद भी मांगी है। मदद की सर ऐसा कहीं भी कोई नौकरी का, कहीं डीसी रेट पे या डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट से बाहर कहीं कोई नौकरी का प्रावधान करा दे तो सर हमारा गुजारा हो जाए और आगे खेलते भारत के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने देश, अपने गांव के लिए खेलता रहूँगा।